थोड़े में खुश रहना सीखो, क्योंकि ज्यादा की चाह तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लेगी। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। सूरज की शुआएं कितनी तेज होते हैं, मगर मामूली से बादल इन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ज्यादा ताकत पर हो, नमाज इन्हें रोक देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आज का इंसान दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो सजदों में रोता है, इससे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। जब वजू करना मुश्किल लग रहा हो, तो ये सोचा करें, गुनाह धोने जा रहा। आजकल लोग अपना आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में गुजारते हैं। अगर मोहब्बत कम हो जाए तो रिश्ता निभाया जा सकता है, लेकिन अगर एतबार और इज्जत ना हो तो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है मोहब्बत क्या है? 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात तहज्जुद में रोते हुए दुआ करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हमेशा अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि अच्छे दिनों के लिए वो सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफ़िज बनकर सामने आते हैं। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ कर दे, और जिसकी गुफ्तगू से तुम्हारे इदम में इजाफा हो, और जिसका अमल आखरत की याद दिलाए। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो जिससे तुम मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। हम जो करते हैं वो कभी हमें गलत नहीं लगता, हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगें दे देते हैं। अकेले ही डरना पड़ती है जिंदगी के लड़ाई, लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं साथ नहीं। जिनको रब से मांगने की आदत हो, वो कभी खाली हाथ नहीं रहते। या अल्लाह अपने सवाब किसी का मोहताज ना करना, आमीन। नामहरम जितना भी आला इखलाक का हामिल हो, मगर होता नामहरम ही है, इसलिए किसी नामहरम के लिए बिना झिझक दिख के और घर के दरवाजे मत खोल देना, तबाहियों का सबब बन सकता है। मामूली मामूली बातों को दिल में रिहाइश ना दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाएं, तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। लोग बदलते हैं ताकि इनके असली चेहरे जान सकें। ख्यालों की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, ये अमाल बन जाते हैं। अमाल की हिफाजत करो, ये करदार बन जाते हैं। करदार की हिफाजत करो, ये पहचान बन जाते हैं। अल्लाह पाक का वादा है कि जो तेरा नसीब है वह तुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे दो घंटों के दरमियान ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज और नहायत ही रहम करने वाला है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और साथ लगे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अपने को साफ ख्याल रखिएगा। टेक केयर।